हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा हाँ आज का रेस्क्यू कॉल हमारे सदगुरु मुजरी चौराहा से आया है, मनोज प्रधान जी के यहाँ से। चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ कौन सा सांप है और कैसा सांप है। तो ये दीवार के किनारे में इंटरलॉकिंग का ईंट रखा गया था, जबकि भैया बताए थे कि उसी में घुसा हुआ है। तब उन्हीं के जानकारी में मैं यहाँ पे खोदना स्टार्ट किया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सांप मिल चुका है, काफ़ी मेहनत करने के बाद, पूरा निकालने के बाद मिल चुका है। काफ़ी पुराना सांप है। ये इंडियन स्पेक्टल कोबरा यानी कि गेमन सांप है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। मेढक खाया हुआ था और ये काफ़ी घर से खाया पिया हुआ लगता है, काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया है खा पी करके। इधर बहुत दिनों से रह रहा था। दोस्तों, आज काफ़ी बारिश हुआ है, हम भीगते हुए आए हैं सांप पकड़ने के लिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं चारों तरफ गीला ही गीला है और काफ़ी हम भीग भी गए हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों, ये सांप जो है इंडियन स्पेक्टल कोबरा है, जो कि गेहुअन भी बोलते हैं और खरीचवा भी बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं, सभी नाम इसी का है। और इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, यानी कि न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है इसमें। और ये अभी काफ़ी केचुल में मतलब पूरा फूल पड़ा हुआ है, इस वजह से इतना ये फुर्ती नहीं है। और ये पुराना भी हो चुका है, थोड़ा बुढ़ा भी हो चला है ये सांप, और तो भी मतलब ये लोगों को मारने में पूरा सक्षम है, हाथी को भी मार सकता है ये। आप लोगों को अगर ऐसा सांप अगर बाइट वाइट करता है, भगवान ना करे किसी को बाइट हो, अगर काटता है तो आप लोग तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। अगर आप लोग भी मतलब इसका बाइट मार्क हमारे पास भेजेंगे तो हम आप लोगों का जरूर सहयोग बताएंगे। तो मतलब आपको जहर वाला सांप काटा है या बिना जहर वाला सांप काटा है। देखिए, जैसे ये बेजुबान जानवर है, ये जानता है कि मतलब हमको जब कोई मारता है तभी ये खड़ा हो जाता है। जैसे मैं इसको हान नहीं पहुँचा रहा हूँ तो ये आराम से चुपचाप जाने की कोशिश कर रहा है कि हमको छोड़ दो, जाने दो, ऐसा उसके मन में मतलब भावना उत्पन्न हो रही है। लेकिन तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है कोई, अपने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है जानवर को। बाई दिबे पैर के नीचे लोग दब जाते हैं, इस कारण वो अपने बचाव का काट लेते हैं। ये भी बेजुबान जानवर है, लेकिन तो ये भी समझदार होते हैं। जब धीरे धीरे आदमी भी बड़ा होता है तो मतलब समझदार हो जाते हैं, वैसे धीरे धीरे सांप भी जो बड़े हो जाते हैं वो भी समझदार हो जाते हैं। काफ़ी समझदार सांप है। बंटी 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 यही पकड़ मोबाइल दूसरा वाला छोड़ डरा राजा का मोबाइल पकड़ पकड़ हां भाई इसका जान भी बच गई ना, कितना जनिक दर्शन दे देना है ना, देखा मन करता
कलर है ये ऊपर आयल है धर्माक छेदो तो हम तुम छेदो आपका नंबर मिला है लट्ठे पर से नारा चेता पास फोन किए किसी की बात है अरे पादर जावरा ने तो कर दादा का तो भले बरहन कमा कहां बरहन बोतल हां भाई कहां क्या वो जोड़ा है हम कहां का वो जोड़ा है काम बात है हाथी को मार सकता है हां हाथी को मार सकता है इतना जहर है इसमें सारा फटा हुआ बच्चा भैया हम जो पकड़ा गए छूट ये बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, मैं अभी इसको जा रहा हूँ अब पैक करने और काफ़ी घुसने के मूड में नहीं है। सभी को अपनी अपनी जान की फिक्र होती है, ये सोच रहा है मुझे कहाँ पे लोग कैद कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये अभी ये अफनाहट इसको हो रही है, इसको छेड़छाड़ कर दिया गया है, अभी ये पलटी कर देगा क्योंकि ये मेढक खाया हुआ है। अभी तो कल लामोड़िया नीचे ला ले कान के खाइले वो उगला था वो दबाव ना पेट वाटो दबल है उगल दे ला ऊपर छेद दहा सुबह वस्तु थी ऐसे अपने ना ही हवा का बोला ला पास करे दोस्तों। इसकी पैकिंग हो चुकी है, अब मैं अब चलता हूँ जंगल की तरफ। दोस्तों जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ऐसे हुड लेकर के बैठा हुआ है डिब्बा, मैं उसका कैप जो है खोल दिया हूँ। ये सोच रहा है मैं किस जगह पे आ गया हूँ, थोड़ा सा इसको वीरान सी लग रही है जगह। जैसे हुड लेकर के बैठ गए हैं महाराज जी, इनको मतलब कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि हम किस जंगल में आ गए हैं। काफ़ी हमको इंसान हुए जानवर दूसरे जगहों पे जाते हैं, ज़रूर उनके अंदर विचार भावना उत्पन्न होती है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। वो अपना उसी के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से अपना रहन सहन मतलब अपने ऊपर निर्धारित कर लेते हैं कि हमको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। मतलब सभी को ऐसा मतलब सोच होती है, जानवर भी मतलब थोड़ा बहुत सेंस होती है, ये लोग भी सोच लेते हैं। अभी मैं अब इनको जाने दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी देर तक वो वहाँ पे भी रुके इसको थे। लग गया है डर जहाँ से मैं इनको रेस्क्यू किया हूँ, इस वजह से फोय फोय कर रहा है, गंदा हो चुके हैं क्योंकि बारिश का समय होने की वजह से पूरा ज़मीन गीला गीला था, ये उसी इनको ज़्यादा मिट्टी लग गई है। अब ये अपना नहा लेंगे बारिश में, साफ सुथरा हो जाएंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं जा रहे हैं, मैं इनको अब ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, इनको जाने दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये अपना जो बचा खुचा ज़िंदगी है अपने जंगलों में रह करके बिता देंगे। चलिए दोस्तों, मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के
नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।